आंध्र प्रदेश में एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस के लीक होने की खबर आ रही है। विशाखापट्टनम के आरएस वेकेंटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस के लीक होने से करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस जहरीली गैस से कई लोग बीमार भी हो चुके हैं। गैस के लीक होने के बाद से ही पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। गैस के लीक होने के चलते आंखों में जलन व सांस लेने की तकलीफ की शिकायत के बाद से ही लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। भोपालपट्टनम के एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड में सुबह ये हादसा हुआ जब आसपास की कॉलोनियों के लोग सो रहे थे। तो इस भट्ट के साथ विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट। गैस हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड नाउ एनडीआर टीम हैज द व्हीकल। दे आर डूइंग डोर टू डोर सर्च। एग्जैक्ट वी डोंट नो देयर वाज अ स्टायरिंग गैस वी गॉट इंफॉर्मेशन ऑन दैट आवर पीपल वेंट एंड अलर्टेड द विलेजर्स एंड दैट मोस्ट ऑफ द एडल्ट पीपल हैव वैकेटेड द विलेज बट सम ऑफ द चिल्ड्रन एंड लेडीज दे स्टक देयर। Those were rescued by our team. Sir, how many kilometers from the place spread is it? Maximum impact was 1.5 kilometers, but the smell was around 1 more kilometer. How many villages? One village is there. So how many diseases reported here? We shifted around 100-120 people in the hospital, and after that. I think 3 deaths. Including a child. One child, 6-year-old. Sir, have you ordered any inquiry on this? Yeah, already we issued FIR and we are verifying. We have taken. Is there any survey in the villages still? No. That entire village got evacuated. Only the villagers who want to look after their house, they are there. And now there is no issue in the village. विश्व भट्ट के साथ विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट।